तीन तरह के पॉइंट डिफेक्ट पढ़े थे हमने, क्रिस्टलाइन डिफेक्ट, नॉन क्रिस्टलाइन डिफेक्ट, सॉरी क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। फिर हमने बोला था स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, शॉटकी और फ्रेंकल। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक भी दो तरह के थे, मेटल एक्सिस एंड मेटल डेफिशिएंसी। एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी दो तरह के थे, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। मैंने बोला था तुम्हें कि एनसीईआरटी से इनको रीड करके आना, तुम लोग आए हो रीड कर? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें ऐसा बोला था कि केमिस्ट्री हम लोग एक लेक्चर में खत्म कर देंगे, फिर मैंने आज सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स देखे, वो नोट्स देख के मुझे पता चला है कि ये तो एक नहीं, ये तो दो नहीं, ये तो तीन लेक्चर में खत्म होगा, क्योंकि उसमें तो थ्योरी वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, तो थ्योरी लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग सॉलिड स्टेट ही खत्म करने का ट्राई करते हैं पहले तो आज। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देखो क्या होता है, देखो इसमें सारी चीजें नाम से ही क्लियर हो जाएगी, है ना। हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट स्टाइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड। स्टाइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड का मतलब है फॉर्मूला, है ना, रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब जो कंपाउंड का फॉर्मूला है ना चेंज रहेगा, मतलब कैसे, जैसे मान लो किसी का फॉर्मूला अगर NaCl है ना, तो ऐसा नहीं हो जाएगा Na.99 और या फिर Na.99 Cl.98, ये सब नहीं होगा, है ना। ये फॉर्मूला ऐसे दूसरे किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं होगा, NaCl फॉर्मूला है तो वो NaCl ही रहेगा, मतलब स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टाइकियोमेट्रिक चेंज नहीं होती। समझे इतनी बात, बोलो। यस सर। अब स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला डिफेक्ट है शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट, व्हेन appropriate number of cations and anions leave the crystal, and vacancies are generated called Schottky defect. मतलब इसमें क्या होगा, केटायन और एनायन जो लीव करेंगे क्रिस्टल को, उनका नंबर सेम होगा। नंबर सेम होने का मतलब, अगर एक केटायन लीव करा है तो एक ही एनायन लीव करेगा, अगर दो केटायन लीव कर रहे हैं तो दो ही एनायन लीव करेंगे, मतलब जितने केटायन लीव करेंगे उतने ही एनायन लीव करेंगे, कुछ इस तरह से होगा। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ कि इस क्रिस्टल में यूनिट सेल कुछ ऐसा है ना, ये बॉक्स का मतलब लैटिस पॉइंट है, है ना। अब मान लो इसमें जो Na प्लस यहाँ है, फिर एक Na प्लस यहाँ है, फिर Na प्लस यहाँ है, फिर Na प्लस यहाँ है, ठीक है, फिर Na प्लस फिर Na प्लस यहाँ है, फिर यहाँ यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ Na प्लस और यहाँ है ना। Cl माइनस कहाँ है, Cl माइनस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ गलत बना दिया, यहाँ है, यहाँ है, है ना, यहाँ है, यहाँ है। अब देखो ये दो चीज यहाँ पर खाली है, एक यहाँ पर खाली है, एक यहाँ पे खाली है, ये दोनों क्या है, ऊपर क्या था, ऊपर कौन नहीं है, Cl-. यार मेरा वॉइस आ नहीं रहा, तुम्हारा भी नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? हेलो बोलना, हेलो एक बार वापस बोलो। हेलो सर,
हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ यहाँ पे ऊपर कौन है, ये कौन है? सीएल माइनस। सीएल माइनस। और यहाँ कौन है? एनए प्लस। एनए प्लस। हाँ तो जितने कैटायन लीव करे हैं उतने ही एनायन लीव करेंगे। मतलब देखो अगर फॉर्मूला देखो NaCl का पहले फॉर्मूला अगर N6Cl6 था, मैंने तुम्हें बताया था NaCl की स्ट्रक्चर में फॉर्मूला यही होता है, तो अगर अब फॉर्मूला Na5Cl5 हो गया है ना, मैंने तुम्हें बताया था ना NaCl में फॉर्मूला Na6Cl6 होता है जब आयनिक स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, तो अब फॉर्मूला Na5Cl5 हो गया है, तो इसको अगर मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो में लिखूं तो अभी भी तो NaCl ही है ये, है ना? बोलो। यस सर। तो बस यही चीज है कि जो फॉर्मूला है जो स्टोइकोमेट्री है वो कभी चेंज नहीं होती है ना। ठीक है ये फर्स्ट पॉइंट था मेरा। सेकंड पॉइंट है दीज टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस व्हेन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आर कंपेरेबल और केटायन बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। ये इस तरह का डिफेक्ट कब होगा? जब केटायन और एनायन का साइज कंपेरेबल हो, मतलब केटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम हो, या फिर केटायन किससे बिलोंग करता हो? एस ब्लॉक से। ये एक फैक्चुअल बात थी, ठीक है? कि ऐसा डिफेक्ट कब आएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट कब आएगा? जब केटायन और एनायन का साइज लगभग सेम हो या फिर केटायन एस ब्लॉक से बिलोंग करता हो तब। नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस ड्यू टू द शॉर्ट की डिफेक्ट। अच्छा डेंसिटी क्यों कम हो गई है? क्योंकि कैटायन और एनायन का लॉस हुआ है। हाँ क्योंकि कैटायन और एनायन अपनी जगह से चले गए हैं, मतलब एक तरह से पैकिंग एफिशिएंसी कम हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एटम कम होते जाएंगे और वॉल्यूम तो सेम वो का वही रहेगा तो हमारी डेंसिटी डिक्रीज होगी ही होगी, है ना? हम बोलेंगे नेक्स्ट, आफ्टर आफ्टर शॉर्ट की डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड क्यों है शॉर्ट की डिफेक्ट के बाद भी? क्योंकि जितने केटायन का लॉस हुआ है उतने ही एनायन का लॉस हुआ है, तो कोई एक नया चार्ज जनरेट नहीं हो गया है कि केटायन ज्यादा हो गए हो या एनायन ज्यादा हो गए, समझे? तो इलेक्ट्रिकल न्यूट। हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है कोई कुछ? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स कुछ फिक्स्ड एग्जांपल है जो हमें याद रखने हैं टाइप, जैसे NaCl, KCl, CaCl2, AgBr, etc. इस AgBr में एक स्पेशल पॉइंट है जो हमें याद रखना है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं क्या? AgBr शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। AgBr दोनों ही टाइप के डिफेक्ट शो करते। अच्छा इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड डेंसिटी है वो कम हो गई है थ्योरेटिकल डेंसिटी से। ऑब्जर्व्ड मतलब जो प्रैक्टिकली हमने प्रैक्टिकली कैलकुलेट करी है वो डेंसिटी कम हो गई है थ्योरेटिकल डेंसिटी से। क्यों? क्योंकि हमारे जो आयन्स थे वो मिस हो गए हैं वहां से, है ना? तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, परसेंटेज मिसिंग यूनिट्स इन क्रिस्टल, परसेंटेज मिसिंग यूनिट इन क्रिस्टल। तो उसका फार्मूला होता है रो थोरोटिकल माइनस रो ऑब्जर्व्ड अपॉन रो थोरोटिकल इनटू 100।
वैसे तो इस पे इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट पूछ सकते हैं कि कितनी परसेंटेज मिसिंग यूनिट्स है, तो हम लोग उसको ऐसे बोले। समझ आया शॉर्टकट इफेक्ट? बोलो। यस सर। चलिए सेकंड हम लोग बात करते हैं शॉर्टकी के बाद फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? इसमें लिखते हैं हम लोग, दिस अराइजेस व्हेन कैटायन बीइंग स्मॉलर इन साइज एंड ऑक्यूपाइज सम अदर वॉइड पोजीशन। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इंटरस्टीशियल पोजीशन। अभी डायग्राम से बनाऊंगा तो और समझ में आएगा। लीविंग इट्स ओन पोजीशन। अच्छा इसमें एक चीज और बोल देते हैं हम लोग, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। मतलब कैसे, देखो मैं समझाता हूं, पहले क्रिस्टल बनाता हूं मेरा। AgBr के क्रिस्टल बनाए, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा Ag+, फिर Ag+, फिर Ag+, फिर Ag+, फिर इधर एक वैकेंसी डाल देंगे कैटायन की ना, फिर Ag+, फिर Ag+, फिर Ag+, फिर Ag+, फिर Ag+, और यहाँ पर Br-, 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 ठीक है। अब यहाँ का जो Ag+ था ना, वो इंटरस्टीशियल पोजीशन, इंटरस्टीशियल पोजीशन का मतलब है बीच में कहीं आके फंस गया है। सपोज करो जो Ag+ था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से निकलकर यहाँ बीच में कहीं आ गया है, इस जगह पर आके बैठ गया है। मतलब उसने लीव नहीं करा है क्रिस्टल को, जैसे शॉर्टकी में होता था, जहां था Ag+ वो अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो गया है। मतलब यहां पर तो कहीं वैकेंसी जनरेट हो गई और ये Ag+ कहां आ गया है, ये कहीं इंटरस्टीशियल पोजीशन पे आ गया है ना, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। जैसे शॉर्ट की डिफेक्ट में तो कैटायन एनायन दोनों लीव करते थे, इसमें कैटायन लीव करता है अपनी पोजीशन को बट क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, क्रिस्टल में ही बना हुआ है। समझ गए मेरी बात? बोलो। यस सर। तो हम लोग बोलेंगे इस केस में क्या, डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड क्यों है डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, बताओ? सर क्योंकि कैटायन क्रिस्टल के अंदर ही है अभी भी। हाँ, क्योंकि जो हमारा एटम है, जो मेरा आयन है, वो अभी भी क्रिस्टल के अंदर ही है, इसलिए डेंसिटी चेंज नहीं होगी और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी, कैटायन एनायन का नंबर बराबर है इसलिए, है ना। अच्छा इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, AgCl, AgCl, AgBr, AgBr पे स्टार लगा देता हूँ क्योंकि दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है, AgI, ZnS, etc. ठीक है। तो ये हमने पे कौन से डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट,
अब सेकंड हम लोग बात करते हैं, सेकंड हम लोग बात करते हैं बी, नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, है ना। इसमें क्या होते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें हम बोलते हैं कि जो फार्मूला है या फिर जो स्टाइचोमेट्री है ऑफ कंपाउंड चेंजेस ड्यू टू सच डिफेक्ट, इसमें स्टाइचोमेट्रिक चेंज हो जाएगी। ये दो तरह का होता है, एक मेटल एक्सिस और एक मेटल डेफिशिएंट, है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मेटल एक्सिस डिफेक्ट, ठीक है। अरे एक सेकंड रुकिए, मैं आता हूँ, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट का वेट करो। यस ठीक है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, इसका नाम सुन के तुम्हें क्या पता चल रहा है कि क्या होगा? मतलब मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होने वाला है, नाम से क्या लग रहा है? कैटायंस एक्सिस में हो जाएंगे, मतलब पड़ जाएंगे। हाँ मतलब देखो इसमें है, नाम से पता चल रहा है कि मेटल एक्सिस में हो जाएगा, और मेटल कौन होता है, मेटल तो कैटायन ही होता है, एनायन तो होता नहीं है। तो जो कैटायन एक्सिस में, दो तरह से हो सकते हैं, या तो बाहर से हम कैटायन डाल दे तो कैटायन एक्सिस में हो जाएगा, या फिर अंदर से एनायन को क्या कर ले, अंदर से एनायन को निकाल दे तो मेटल एक्सिस में हो जाएगा। तो हम सेकंड वाला मेथड यूज करते हैं, इसमें अंदर से एनायन होता है ना उसको निकाल देते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एनायन, ब्रैकेट में लिख रहा हूं बीइंग वॉलेट टाइप, एनायन लीव्स द क्रिस्टल ऑन हीटिंग एंड shows colored appearance। मतलब क्या करते हैं, अगर हम लोग हीट करते हैं तो एनायन वॉलेटाइल होने की वजह से क्रिस्टल को लीव कर देता है। अब इसमें एक चीज और है खास, क्या एनायन आफ्टर लीविंग कीप इट्स इलेक्ट्रॉन एट anionic vacancy to maintain electrical neutrality and this position is known as, क्या बोलते हैं इस position को बताओ, एफ सेंटर या फिर फार्बर सेंटर। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि एनायन जो होता है ना वो क्रिस्टल को छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होता है ना। एनायन हमारा क्रिस्टल को छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होता है। अब जब एनायन क्रिस्टल को छोड़ के जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के जाता है ना, इलेक्ट्रॉन साथ लेके नहीं जाता, अब इलेक्ट्रॉन उसने वहीं छोड़ दिया है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है, क्योंकि अभी भी चार्ज तो बराबर है क्योंकि एनायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, है ना। और जहां इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है उस पोजीशन को हम लोग फार्बा सेंटर या एफ सेंटर बोलते हैं। अब जैसे मान लो मैं बना के बताता हूं, जैसे Na+, 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 Cl- Cl- Cl-
Cl माइनस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, जहां इलेक्ट्रॉन है ना वहां पर क्या है, यहाँ पर Cl माइनस लीव कर गया है, और इसको क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को बोलेंगे एब्सेंट। समझ में आई बात? बोलो। हाँ सर। अच्छा अब मेरी यहाँ पर बात सुनो, एक इम्पोर्टेंट बात। क्या? फॉर एग्जाम्पल व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड। अच्छा यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा होगा कि एनआईएन तो कम हो गया है, कैटायन एक्सिस में आ गया है, Na प्लस के नंबर ज्यादा हो गए ना एज कम्पेयर टू Cl माइनस। हम क्या लिख रहे हैं, व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, बोलेंगे Cl माइनस आयन डिफ्यूजेस, या फिर बोले डिफ्यूज टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल था उसमें से Cl माइनस आयन बाहर निकल निकल के सरफेस पर आ जाते हैं ना क्रिस्टल की, एंड कंबाइन विथ सोडियम वेपर, जो सोडियम की जो वेपर्स थी ना जिसके प्रेजेंस में हम हीट कर रहे थे उससे कंबाइन हो जाते हैं, मतलब Cl माइनस आयन बाहर आ गए हैं और सोडियम की जो वेपर है उसके साथ कनेक्ट होके NaCl बना लेते हैं अलग से, और जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो वहीं छोड़ के चले जाते हैं ना। हम बोलते हैं दिस फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनसाइड द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाइज एनायनिक वैकेंसी एंड जनरेट एब्सेंट। ठीक है, देयरफॉर NaCl appears yellow on heating in presence of sodium vapor. अच्छा हमने ऐसा लिखा कि NaCl को sodium vapor की presence में heat करने पर वो yellow color का दिखता है, क्यों दिखता है yellow color का? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हाँ, ये जो एफ सेंटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमने पहले भी ऐसी चीज पढ़ी है कि जो पैरामैग्नेटिक स्पीशी होती है, मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसकी वजह से ही कलर शो होता है, उसकी वजह से इसमें कलर शो होगा ना। तो NaCl का एग्जाम्पल लेके मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है मेटल एक्सिस डिफेक्ट? बोलो। सेकेंड इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है? हम बोलते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट, सर्टेन कोर्स ऑफ मेटल इन द अर्थ क्रस्ट फाउंड टू बी इन नॉन स्टाइचियोमेट्रिक फॉर्म, मतलब कुछ कुछ ऐसी होती है जो नॉन स्टाइचियोमेट्रिक फॉर्म में मिलती है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे Cu1.7S मिलता है हमें, एक मिलता है Fe.98O, एक मिलता है Fe.95O, एक मिलता है Fe.91O। जैसे एक्चुअल में ये होना क्या चाहिए था, एक्चुअल में ये FeO होना चाहिए था एक्चुअल में, ठीक है, और ये एक्चुअल में होना चाहिए था Cu2S, है ना, बट ये है Cu1.7S, तो इसमें कम कौन है, Cu ही तो कम है ना, मतलब मेटल कम है। बोलो। हाँ
हाँ सर ठीक है, इस वजह से हम बोलते हैं यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है इन सब में, मतलब मेटल डेफिशिएंट है, मेटल कम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज तुम्हें एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूँ ना, ध्यान से सुन, इसमें बहुत समझने वाली बात है। जैसे सपोज करो हमारे पास, अच्छा हमें है ना चार्ज हमेशा मेंटेन रखना है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रखनी है। हमारे पास है Fe.990, है ना। अब मैं इसमें बोलना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे पास अगर Fe के 99 एटम है तो ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? कितने होंगे बताओ? 100? ऐसा ही होगा ना, अगर Fe के 99 एटम माने तो ऑक्सीजन के 100 होंगे। तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है? ऑक्सीजन रहता है 100 ऑक्साइड आयन, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? माइनस में 200। अब प्लस में भी 200 चार्ज बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अब मान लो Fe प्लस 2 की फॉर्म में भी है और Fe प्लस 3 की फॉर्म में भी है, तो किसको कितना कितना रखें कि टोटल प्लस वाला चार्ज भी हम लोग 200 बना ले। टोटल 99 एटम ही रखने हैं बस। बताओ। अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या, 97 इसको रख दो और 2 इसको रख लो। हो गया क्या? बोलो। yes. तो मतलब 97 Fe2 प्लस के एटम रहेंगे, 2 एटम Fe3 प्लस के रहेंगे। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मान लो ऐसा क्रिस्टल होगा ये, चल रहा है चारों तरफ, है ना, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। मान लो यहाँ बीच में Fe2 प्लस है ना, यहाँ भी Fe2 प्लस है, यहाँ 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 छोड़ देते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं Fe2 प्लस, यहाँ लिखते हैं Fe2 प्लस, यहाँ लिखते हैं Fe2 प्लस, इधर लिखते हैं Fe2 प्लस, यहाँ लिखते हैं Fe2 प्लस, और ऑक्साइड आयन है, यहाँ 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 ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन और ऑक्साइड आयन। ठीक, अब 2 Fe3 प्लस भी थे, एक Fe3 प्लस यहाँ, एक Fe3 प्लस यहाँ, तो ये क्या बन गया, एक ये किसका फॉर्मूला लिखा मैंने, Fe.990। समझ में आया मैंने कैसे लिखा? सारे तो Fe2 प्लस रख दिए, बस 2 कौन से रख दिए, Fe3 प्लस। तो 99 पोजीशन पर ही Fe के एटम आ पाएंगे और 100 के 100 पोजीशन पर ऑक्सीजन के एटम आ पाएंगे, मतलब ऑक्सीजन के आयन, बट एक जगह वैकेंसी रह जाएगी। तो समझ में आ गया मेटल डेफिशिएंसी क्यों है ये, क्योंकि मेटल डेफिशिएंट है। बोलो। yes, तो ऐसे पता चलता है हमें मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में एक तरह का न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। किस टाइप का न्यूमेरिकल होता है वो देखो मैं तुम्हें करवाता हूँ ना, खुद से करना, तुम एक बार मुझे बताना कैसे होगा। कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस इन द नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड Fe.930। बताओ इसमें Fe2 प्लस कितना परसेंट होगा? बता सकते हो?
बताओ करके। हुआ क्या सर? एक मिनट। देखो कैसे करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, जैसे मान लो Fe.93O है, तो इसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ऑक्सीजन के तो 100 एटम है और 93 किसके हैं? Fe के। मतलब एक तरह से ऐसा बोला जा सकता है 100 तो ऑक्साइड आयन है और Fe2+ के कुछ X एटम मान लो, तो 93-X Fe3+ के एटम होंगे। और हम इक्वेशन ऐसी बना सकते हैं क्या, 2X+ में 3 × 93-X is equal to 200, मतलब प्लस 3 के टोटल चार्ज का सम और प्लस 2 के टोटल चार्ज का सम प्लस 200 आना चाहिए, क्योंकि ऑक्साइड आयन भी -200 था। बोलो ये इक्वेशन समझ आई। अब यहां से सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 79। मतलब तुम्हें पता चल गया कि जो Fe2+ था वो तो 79 होना चाहिए था और Fe3+ था वो 14 होना चाहिए था। अब परसेंटेज ऑफ Fe2+ कितना होगा, ये टोटल 93 एटम्स हैं, उसमें से 79 Fe2+ के इंटू 100, मतलब 85% आएगा अप्रोक्स। मतलब 85% Fe2+ के एटम है और 15% Fe3+ के एटम है, समझे? बोलो क्लियर है? यस सर। चलिए सी हम लोग पढ़ते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में वही है कि इम्प्योरिटी होगी बाहर से कुछ, ठीक। इसमें पहला है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है? तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं बता रहा हूँ, है ना? सुनना मैंने क्या बोला, when a small amount ऑफ SrCl2 इज डोप्ड इन NaCl ड्यूरिंग solidification,
each SR2 plus displace 2 Na plus ions. अच्छा, इस बात का कोई लॉजिक दे सकता है क्या कि हर SR2 plus 2 Na plus ion को क्यों रिप्लेस करेगा? क्योंकि इसके ऊपर प्लस 2 चार्ज है. हाँ, प्लस 2 चार्ज है, इसलिए टोटल प्लस 2 चार्ज को ही रिप्लेस करेगा, तो इसलिए 2 Na plus ion को वो रिप्लेस करेगा, है ना. हम बोलेंगे हियर Na plus ions generates two vacancies, क्योंकि दो Na plus ion को रिप्लेस करेगा तो दो Na plus ion vacancy जनरेट होगी. One of the vacancy is occupied by SR2 plus and other is left as vacancy. तो यहां से हम लोग एक लॉजिक दे सकते हैं क्या, नंबर ऑफ vacancies generated is equal to number of SR2 plus ion doped. ये लॉजिक समझ आएगा ये वाला, जितने SR2 plus ion डोप करेंगे उतनी ही वैकेंसी जनरेट होगी. बोलो, जैसे मान लो, सपोज करो मुझे 10 Na plus ion को रिप्लेस करना है, तो 10 Na plus ion को रिप्लेस करने के लिए कितने SR2 plus ion डोप करने पड़ेंगे? 5. तो 5 वैकेंसी तो SR2 plus ऑक्यूपाई कर लेंगे, और जो नई वैकेंसी जो बच जाएगी, जो वैकेंसी की तरह ही रहेगी, वो कितनी होगी? 10 में से 5 तो ऑक्यूपाई हो गई, तो 5 बच गई ना. तो हम बोलेंगे कि जितने SR2 plus ion डोप करेंगे उतनी ही वैकेंसी जनरेट होगी. अच्छा, आप मेरी बात सुनो. जैसे सपोज करो मैं SR2 plus की डोपिंग नहीं करता हूं, मैं NaCl के क्रिस्टल में Al3 plus की डोपिंग करता हूं, है ना, AlCl3 की डोपिंग करता हूं, और मानो कि मैंने 15 Na plus ion को हटा दिया, तो कितने एल्यूमिनियम 3 plus ion की रिक्वायरमेंट होगी? 5 की होगी. क्यों सर? क्योंकि चार्ज 3 एल्यूमिनियम पे सर. हाँ, चार्ज 3 है, तो 5 की रिक्वायरमेंट होगी. तो अब वैकेंसी कितनी रह जाएगी वहां पे? 10 रह जाएगी, है ना. तो अब इसमें वही है कि वैकेंसी कितनी रहेगी वो तुम्हें उसी टाइम पे सोचना पड़ेगा कि जिस चार्ज से डोपिंग करी है, जिस आयन से डोपिंग करी है, उसके ऊपर चार्ज कितना है. समझ गए? यस सर. ठीक है, लास्ट हमारा है डिफेक्ट में इंटरस्टीशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ठीक है, तो हम बोलेंगे, हाँ इसमें तो थोड़ा सा ही पढ़ना है क्या, द एडेड इम्प्योरिटी ऑक्यूपाइज इंटरस्टीशियल पोजिशन, मतलब वॉइड पोजिशन, है मतलब बीच में आके कहीं फंस जाएगा ना, पर्टिकुलरली बाय स्मॉल साइज नॉन मेटल एटम लाइक हाइड्रोजन कार्बन बोरोन एक्सेट्रा. हम बोलेंगे कि इसमें कोई भी नॉन मेटल एटम होता है ना छोटे साइज का, उसको लाकर किसी इंटरस्टीशियल पोजीशन पे फंसा देंगे, तो उसकी वजह से कोई इम्प्योरिटी आ जाएगी, मतलब एक तरह से वो इम्प्योरिटी की तरह ही काम करेगा. और हम बोलेंगे ऐसा करने से जो डेंसिटी होगी जनरली वो क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि बाहर से कुछ ला रहे हैं तो डेंसिटी तो बढ़ेगी ना, अब डेंसिटी तो हम बढ़ा ही रहे, समझे.
बोलो। हाँ वो तो पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर खत्म, ठीक है? बोलो। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस, सरफेस केमिस्ट्री में थ्योरी थोड़ी ज्यादा है ना सर, इसका रिकॉर्डिंग अलग कर।